नेत्र चिकित्सालय उसको बनाया गया। और आप समझ सकते हैं कि इस नेत्र चिकित्सालय में पूरे प्रदेश के यानी कि मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश की बॉर्डर से लगा हुआ है ये चिकित्सालय इलाका, और ये पूरा जो है उत्तर प्रदेश, आप बिहार, बंगाल, झारखंड, दूर दूर से लोग आते हैं। तकरीबन 400 से ज्यादा जो है यहाँ पर डॉक्टर है। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये जो नेत्र चिकित्सालय है। यहाँ पर हर साल की अगर हम बात करें तो 1.5 से 2 लाख लोगों का ऑपरेशन होता है। अलग अलग जो आंखों से संबंधित जो समस्याएं हैं उसको लेकर के जो है यहाँ पर उनका निवारण किया जाता है। और निःशुल्क उन लोगों का होता है जो गरीब कुंबे हैं, जो गरीब लोग हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं, जो जनजातीय लोग हैं, जो आदिवासी हैं, उनके लिए भी। और जो यहाँ पर जिस तरीके का अगर वीआईपी ट्रीटमेंट भी चाहते हैं तो ट्रस्ट की ओर से उन्हें वो भी मुहैया कराया जाता है। तो पूरे बुंदेलखंड के लिए एक बहुत बड़ा वरदान रहा है, दशकों से बहुत बड़ा वरदान रहा है ये नेत्र चिकित्सालय, जो सदगुरु श्री सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट की ओर से इसे चलाया जा रहा है। और मफत लाल जो है इसके पहले अध्यक्ष रहे और उन्होंने जो है उनको उनकी ओर से जो ऐड रहा उसके बाद इसे और इसका विस्तार किया गया। और विस्तार के बाद जो अत्याधुनिक जो सुविधाएं होती है नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में उसका यहाँ पर जो है धीरे धीरे करके उसको यहाँ पर विस्तार दिया गया। हॉस्पिटल में तमाम तरह के जो है, चाहे वो रहने की व्यवस्था हो, नर्सिंग की व्यवस्था हो, मेडिकल कॉलेज तक की स्थापना की गई जो आंखों से संबंधित है। और आज एक और बड़ा दिन है, आप कह सकते हैं पूरे चित्रकूट के लिए, बुंदेलखंड के लिए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के तमाम जो यहाँ आसपास रहने वाले लोग हैं, क्योंकि अब यहाँ पर एक सुपर स्पेशलिटी जो है जनरल वार्ड की भी शुरुआत हो रही है, जिसका प्रधानमंत्री जो है जिसकी शुरुआत करेगी। और इसके बन जाने से 80 बेड का तकरीबन ये अस्पताल है। आप समझ सकते हैं जो अन्य जो बीमारी है, चाहे नेफ्रोलॉजी की बात करें, गैस्ट्रोलॉजी की बात करें, जिस तरीके से जो अलग अलग जिस तरीके की बीमारियों के जो डिपार्टमेंट है उसके इसमें जो है तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो उनके ट्रीटमेंट को लेकर के जो उपकरण है, उनके टेस्ट को लेकर जो उपकरण है, इन सब से ये सुसज्जित है और ये यहाँ पर शुरू होगा। तो नेत्र के साथ साथ आप समझ सकते हैं कि अब जो है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होना, यानी कि किसी भी इमरजेंसी में अब यहाँ के लोगों को यहाँ से किसी साधन का उपयोग करके दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो लोग अपना चिकित्सा जो है इसी जगह पर यहाँ पर 24/7 उनको यहाँ पर मिल सकेगा। और पूरा ये चाहे हम सतना डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो सतना डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और वही चित्रकूट की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश, आज ये दोनों ही राज्यों के बीच बसा हुआ ये इलाका है। और यहाँ पर इस तरीके का ऐसा कोई भी हॉस्पिटल इस तरीके का नहीं है। आप 40-50-100 किलोमीटर तक चले जाए तो इस तरह का कोई बड़ा ऐसा कोई हॉस्पिटल भी नहीं है 100-200 किलोमीटर तक। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी एक उपलब्धि कह सकते हैं, या फिर मानव सेवा के लिए एक भाव कहा जा सकता है कि जिस तरीके से यहाँ पर इस ट्रस्ट को 1968 के बाद से संत रणछोड़ दास जी ने जिस तरीके से शुरू किया और मफतलाल की पूरी परिवार ने जिस तरीके से इसको आगे बढ़ाया, तो ये काफी बड़ा दिन है। और समाज में किस तरीके से सेवा किया जाए, यानी कि जीवन दर्शन और इन सबको किस तरीके से एक साथ को लेकर के चला जाए, सनातन धर्म को लेकर के किस तरीके की जो एक परंपरा रही है, किस तरीके से समाज सेवा का भाव रहा है, वो यहाँ पर इन चीजों को दर्शाता है। अभिषेक, साफ तौर पर मध्य प्रदेश के लिए भी और उत्तर प्रदेश के लिए भी, क्योंकि चित्रकूट का कुछ इलाका मध्य प्रदेश में है और कुछ इलाका उत्तर प्रदेश में है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मील का पत्थर ये साबित होगा। तो ऐसे में संकल्प से सिद्धि का, जो हमेशा से हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो संकल्प लेते हैं उसको सिद्धि तक पहुंचाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य के उस बुनियादी ढांचे को और ज्यादा विकसित करता नजर आएगा और साफ तौर पर वहां के लोगों के लिए कितना बड़ा नया आयाम यहाँ पर परिवर्तित करता हुआ नजर आएगा और तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी। बिल्कुल गौरव, देखिए चित्रकूट को श्री राम से जोड़ा गया है, भगवान राम से जुड़ा हुआ है चित्रकूट। यहाँ पर भगवान श्री राम जो है यहाँ पर तकरीबन उन्होंने 12 वर्ष जो है बिताए थे, और यहीं पर भरत भी उनसे मिलने आए थे, उनके छोटे भाई जो थे अनुज भरत, वो उनसे यहाँ मिलने के आए थे। तो चित्रकूट अपने आप में एक धाम की तरह, यहाँ पर लाखों की संख्या में आप हर महीने लोग पहुंचते हैं। सिर्फ आप उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बात न करें, मैं तो कहता हूँ पूरे भारतवर्ष से, विश्व से यहाँ पर लोग आते हैं। राम घाट है यहाँ पर, जानकी कुंड है, कई सारे जो है देव स्थल है यहाँ पर, जहाँ पर लोग आते हैं और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते, भगवान राम यहाँ पर रहते, भगवान राम से अपने आप को जोड़ते। ऐसे में यहाँ से अगर देखा जाए और विकास को देखा जाए तो पिछले कुछ दशकों में विकास तो हुआ है, लेकिन अगर हम मेडिकल के क्षेत्र में देखें, अगर मेडिकल की बात करें तो मेडिकल के क्षेत्र में कोई बड़ा आयाम यहाँ पर नहीं था। कारण इसका एक ये भी माना जा सकता है कि जिस तरीके से श्री सदगुरु
ट्रस्ट की ओर से जिस तरीके से यहाँ पर एक निःशुल्क एक तरीके से कहा जा सकता है निःशुल्क एक हॉस्पिटल नेत्र को लेकर के जो चिकित्सा को लेकर के जिस तरीके से बनाया गया उसमें और को लेकर के यहाँ के लोगों को एक बड़ी आस्था रही। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से हमने इस पूरे हॉस्पिटल का जायजा लिया, यहाँ पर जाकर के देखा, गौ सेवा से लेकर के आप हर कुछ जो है सेवा का भाव है यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पे जो चिकित्सा के लिए आते हैं उनको चिकित्सा नहीं जाती, उनकी सेवा की जाती है, उनको ठीक किया जाता है, उनको हर कुछ उस तरीके से आप प्रोवाइड किया जाता है कि वो लोग ये ना समझे कि हम चिकित्सा करवा रहे हैं किसी हॉस्पिटल में आए, ये एक सेवा का चीज है। और आदिवासी समाज काफी यहाँ पर है, तो आदिवासी समाज में आप समझ सकते हैं कि परंपरा को परंपरागत जिस तरीके की उनकी शैली रहती है तो वैसे में उनको उन तक जाना, और इस ट्रस्ट की ओर से तकरीबन 400 कैंप जो है अलग अलग जगह पे लगाए गए, न सिर्फ इसी जगह पे चित्रकूट में बल्कि उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश के अन्य जो जिले हैं वहाँ पर भी ट्रस्ट की ओर से कैंप लगाया जाता है, लोगों की निःशुल्क जांच की जाती है, उन्हें जो है उनका उपचार किया जाता है, अगर उन्हें उपचार के बाद उन्हें चश्मा तक निःशुल्क दिया जाता है, चश्मा के अलावा अगर उनको ऑपरेशन की जरूरत है ऑपरेशन तक उनको किया जाता है। तो अपने आप में ट्रस्ट एक समाज सेवा का जो भाव है उसको दर्शाता है। और जिस तरीके संत रणछोड़ दास जी जिस तरीके से इसकी स्थापना किया उन्होंने 1968 में और इसको धीरे धीरे करके आगे बढ़ाया गया, आज पूरे क्षेत्र में बुंदेलखंड में आप कहीं भी अगर बात करेंगे फिर सदगुरु के बारे में ट्रस्ट के बारे में तो आपको जानकारी मिल जाएगी, किसी भी तबके में किसी भी तहसील में आप चले जाए तो वहाँ पे आपको शायद वो जगह छोटा ना होगा यहाँ पर कि इन्होंने कैंप न लगाए हो, मध्य प्रदेश की बात करें उत्तर प्रदेश की बात करें इन सभी क्षेत्रों की बात करें। और एक मील का पत्थर, बिल्कुल आपने ठीक कहा, मील का पत्थर साबित होगा क्योंकि प्रधानमंत्री भी जिस तरीके से हमेशा से उन्होंने कहा है कि समाज सेवा का भाव रखिए, परिवार की तरफ आप लोगों को सोचिए, उसका एक जीता जागता उदाहरण यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये पूरा जो ट्रस्ट है यहाँ, ये ट्रस्ट में किस तरीके से आने वाले समय में और बदलाव होगा, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अलावा यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है और भी है और अब धीरे धीरे करके इसका और विस्तार करने की भी योजना है, तो निश्चित तौर पे अभी भी ये मील का पत्थर है और आप समझ सकते हैं कि इसको देख करके और भी जो जन सेवा को लेकर के जिस तरीके से ट्रस्ट है वो भी इसकी शुरुआत करेंगे, देश के अन्य हिस्सों में भी इसकी शुरुआत होगी। बिल्कुल अभिषेक, और जो नई पीढ़ी है उनके कंधों पर जिस तरह का जो दारोमदार आ रहा है और साफ तौर पर, तो वो उनके लिए कितना बड़ा एक नया आयाम स्थापित करता हुआ नजर आएगा इस दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो जो जनमानस की क्या समस्याएं हैं उनको समझते हैं, किस तरीके से बदलाव लाया जाए, आजादी मिले भले हमें 70-75 वर्ष हो गए हो लेकिन मानसिक आजादी शायद अभी भी लोगों के अंदर जो है उस स्तर तक नहीं आई है, अभी भी जो लोग हैं वो परंपरागत चीजों पर जी रहे हैं या फिर उन चीजों को फॉलो कर रहे हैं। देख रहे हैं कि भारत ने तकनीक के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।